सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, मैं हूँ आपका भाई तुषार एंड वेलकम बैक टू माई चैनल बिटन न्यू वीडियो। सो आज का जो हमारा ट्रेन है ना वो है 12431 त्रिवेंद्रम राजधानी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। थोड़ा आवाज का मेरे को बताना कि वीडियो में आवाज कैसे आ रही है, अंदर में इन्फॉर्मेशन देते वक्त आवाज का बताना कमेंट करके मेरे को। तो शुरू करते वीडियो, पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, शुरू करते चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस त्रिवेंद्रम राजधानी की हिस्ट्री की। ये त्रिवेंद्रम राजधानी भारत की सबसे लॉन्गेस्ट राजधानी मानी जाती है, जिसने इंडियन रेलवे को अपनी फर्स्ट सर्विस दी थी, पहली सेवा दी थी, और 9 जुलाई 1996। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब करते हैं इस राजधानी के कोचेस की और टिकट प्राइस के बाद। इसमें 9 AC 3 टायर है जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 4500, 5 AC 2 टायर है जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 6400, एक पेंट्री कार और 2 जनरेटर कार है, और इसमें एक फर्स्ट क्लास भी है जिसकी कॉस्ट है लगभग 8000। अब बात आती है इसके टाइमिंग्स की। तो त्रिवेंद्रम से चलती है एज 12431 मंगलवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को एज 7:30 बजे, और ये दिल्ली आपको पहुंचाएगी तीसरे दिन दोपहर को 12:30 बजे, और दिल्ली से चलती है एज 12432 ऑन ट्यूजडे, वेडनेसडे एंड संडे सुबह 11:00 बजे, और ये आपको त्रिवेंद्रम पहुंचाएगी ऑन डे 3rd सुबह लगभग 5:30 बजे। और दोनों तरफ से यात्रा की अवधि की बात की जाए तो इसके जर्नी ड्यूरेशन रहती है 42 आवर्स, और मानसून में इसकी जर्नी ड्यूरेशन बढ़ जाती है कितने घंटे, 45 से 46 आवर्स। वो कैसे मैं भी आपको आगे बताऊंगा। त्रिवेंद्रम राजधानी ये 17 हॉर्स को कवर करती है और 8 स्टेट को क्रॉस करती है। वो कैसे, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और फिर हम पहुंचेंगे दिल्ली। सो ऐसे 8 स्टेट को क्रॉस करती है। सो अभी कोंकण रेलवे की वजह से, कोंकण रेलवे जो है मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल रेल रूट्स ऑफ इंडिया, बहुत जल्द मैं कोंकण रेलवे पे भी एक वीडियो लाऊंगा। तो इस वजह से त्रिवेंद्रम राजधानी लेट होती है। और आप अगर निसर्ग प्रेमी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार मानसून में त्रिवेंद्रम राजधानी कीजिए, या फिर कोंकण रेलवे में जो भी अच्छी ट्रेन है जो नेचर की गोद में खेलती जगह से गुजरती है, आप उस ट्रेन में एक बार मानसून में सफर कीजिए, बहुत सही कोंकण रेलवे का रूट है। सो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी फेवरेट राजधानी या आपका फेवरेट ट्रेन रूट कौन सा है ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप रेल फैंस है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, क्योंकि आपका भाई ऐसे वीडियो तो लाएगा ही। इसके साथ साथ लॉकडाउन खुलने के बाद जल्द से जल्द आपको एक प्यारा सा ट्रेन जर्नी व्लॉग भी मैं देने की कोशिश करूंगा, और अब आएगा व्लॉग, आएगा पक्का आएगा। तो इसलिए रेल फैंस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो भाई एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगला वीडियो डालने का हमको मोटिवेशन आएगा। तो ऐसा ही भाई आपका वीडियो डालता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि पहला व्लॉग था मैं, जब उस व्लॉग को देखा मैं तो हंस हंस के पागल हो गया, क्योंकि इतना खराब बोला उस व्लॉग में। अगर आप जाइए और उस व्लॉग में कमेंट करके बताइए कि भाई क्या क्या मैं इम्प्रूव करूं उस व्लॉग में, जाइए पक्का देखिए वो व्लॉग। इतना ही, और आज की डेट है 16 अप्रैल 2020, हमारे इंडियन रेलवे को आज 167 ईयर्स कम्प्लीट हुए। तो इससे प्राउड फील करने वाली बात रेल फैंस को क्या होगी, क्योंकि मैं भी एक रेल फैन हूँ। सो मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशों ने खोली हुई इंडियन रेलवेज आज इंडियंस ने इतनी इम्प्रूव की है, खास करके प्रीमियम ट्रेन जो वंदे भारत है, दुरंतो है, राजधानी है, इसकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी है कि भाई क्या कहे इसके बारे में। और बहुत ही जल्द मैं अगला व्लॉग डालूंगा, कोंकण रेलवे पे ऊपर भी व्लॉग आएगा, क्योंकि कोंकण रेलवे जब मैंने एक्सप्लोर किया इंटरनेट पे पढ़ा तो बहुत ही अच्छा मेरे को लगा। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, घर पे ही रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, देखिए मैं तो घर पे ही हूँ। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेगा आपका भाई अगली वीडियो में।